संध्या देवी पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के हरहुआ इलाके में रहती हैं। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसे वह अपने पति की मदद से चला रही थी। इस दुकान से होने वाली आमदनी से उन्हें अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। सर पहले तो हम ऐसे नॉर्मली ऐसे किराने का दुकान था जो कि बहुत स्लो चलता था। अच्छा, अच्छा। काफ़ी घर का खर्च भी मेंटेन करने में, बच्चे हैं हमारे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में, बाकी अदर खर्च में प्रॉब्लम बहुत आती थी। जब उन्होंने माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफिसर सुधीर पांडे से सिडबी के महिला उद्यमी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत दी जा रही ट्रेनिंग के बारे में सुना तो उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के अंतर्गत माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी मीडो ने आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने में उनकी मदद की। तो सर जो है बोले कि आपके पास सामने जो है जगह है, कुछ एक्स्ट्रा करिए। तो हमने आइडिया लगाया कि यहाँ हमारे पास मेडिकल के बच्चे आते हैं शाम को सब्जी लेने के लिए। संध्या देवी ने अंततः सब्जी के व्यवसाय को शुरू करने का निर्णय लिया। इस सब्जी व्यवसाय से उनकी घरेलू आय में काफी वृद्धि हुई। वह अब अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य और सबसे महत्वपूर्ण अच्छी शिक्षा की उम्मीद कर रही हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी वो सारी मैनेज रहती हैं, प्लस हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी भी बच जाता है आगे भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बाकी अदर खर्च के लिए। सर आगे मेरा माइंड ये है कि इसको हम और डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ का लोकेशन काफ़ी दिन पर दिन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको और डेवलप करना है। सर समझना है, थोड़ा सा समय निकालना है बस, और कोई बात नहीं है। सारे काम के अगर थोड़ा समय निकालेंगे कुछ अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। संध्या देवी उन 10,000 से भी अधिक महिला उद्यमियों में से एक हैं जिन्हें सिडबी के इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 6.25 करोड़ से भी अधिक सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में स्थित कुल उद्यमों में से 99% सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आते हैं। सिर्फ 20% सूक्ष्म उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। ज्यादातर सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस छोटे रह जाते हैं क्योंकि वह क्षमता और पूंजी की कमी से जूझते रहते हैं। जो महिलाएं इन उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन करती हैं उन्हें अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें एकमुश्त गरीबी की तरफ धकेल सकते हैं। DFID समर्थित पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उद्यमी सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से सिडबी महिला उद्यमियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के हल खोजने के प्रयास में लगा है। एक विशेषता जो इस कार्यक्रम को इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों से अलग बनाती है वो ये है कि जहाँ दूसरे कार्यक्रम कौशल विकास पर केंद्रित हैं, वहीं यह कार्यक्रम उन महिला उद्यमियों के साथ काम कर रहा है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम में शामिल महिला उद्यमी कुशल और अकुशल कारीगरों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को चला रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और वाराणसी जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने उद्यमों को स्थापित करने, उन्हें बढ़ाने और उनका विविधीकरण करने में सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 15,000 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 10,000 महिलाओं को हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला है और 9,000 से अधिक महिलाओं को ऋण से जोड़ा गया है। कैशपोर ट्रस्ट और उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन के पास इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। उद्योगिनी सिडबी की PSIG टीम ग्रामवाणी तथा M2I के द्वारा इस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल हैं उद्यमों की कार्यप्रणाली में सुधार, जैसे सही बही खाता रखना, उचित तकनीक का इस्तेमाल करना और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, उद्यमियों को मिलने वाले व्यापार की शर्तों में सुधार जैसे बेहतर मूल्य और मार्जिन की प्राप्ति, व्यवसाय से होने वाली आमदनी और मुनाफे में वृद्धि, महिला उद्यमियों की पारिवारिक आय और संपत्ति में बढ़ोतरी, और सबसे बढ़कर महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास में और परिवार द्वारा मिलने वाले आदर सम्मान में वृद्धि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत
माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी मीडो का एक कैडर बनाया गया है। इन मीडो को महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। मीडो ने महिला उद्यमियों को 12 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को व्यवसाय संबंधित कई बातों के बारे में बताया गया है, जैसे कि अपने व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों का आकलन करना, अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना, मार्जिन और ब्रेक इवन की गणना करना और आय व्यय स्टॉक लेनदारों और देनदारों के नियमित रिकॉर्ड रखना। महिला उद्यमियों को निरंतर हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना इस परियोजना की अनूठी विशेषता है। इस कार्यक्रम को डिजाइन करने के क्रम में ये महसूस किया गया कि उद्यमों को बढ़ाने के लिए केवल क्लासरूम ट्रेनिंग ही पर्याप्त नहीं होगी। महिला उद्यमियों को निश्चित समय अवधि के लिए निरंतर सहयोग की आवश्यकता भी होगी। हैंड होल्डिंग सपोर्ट के अंतर्गत मीडो महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करने में मदद करते हैं। यह बिजनेस प्लान उद्यमियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। यह उद्यमियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने में भी सहायक होता है। मीडो महिला उद्यमियों से नियमित रूप से मिलते रहते हैं। वह उद्यमों के परिचालन संबंधित सुझाव देते हैं और उद्यम के नए अवसरों की पहचान करने में उनकी सहायता भी करते हैं। साथ ही साथ हिसाब किताब रखने में भी वह महिला उद्यमियों की सहायता करते हैं। यदि महिला उद्यमियों को कोई जरूरत होती है तो मीडो उन्हें फोन पर भी सलाह देते हैं। कुछ सरल सुझावों का पालन करने से, जैसे कि दुकान के अंदर सामानों का रखरखाव बदलने से या सामानों की पैकेजिंग बदलने से, महिला उद्यमी अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने में सफल हुई हैं। कई महिलाओं ने अपने व्यवसाय का विविधीकरण भी किया है, जिससे ग्राहकों की संख्या और बिक्री में वृद्धि हुई है। क्रेता विक्रेता कार्यशालाएं इस परियोजना की एक और अनूठी विशेषता है। आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के साथ महिला उद्यमियों को जोड़ने के लिए कई क्रेता विक्रेता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। यहाँ पे क्रय विक्रेता समारोह है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की साड़ियाँ और इस तरह के काम कई जगहों में कई क्षेत्रों में होती है। इन कार्यशालाओं ने महिला उद्यमियों के लिए व्यापार की शर्तों को बेहतर बनाने में मदद की है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बेहतर मार्जिन मिला है और लाभ में वृद्धि हुई है। कई एक्सपोजर विजिट्स का भी आयोजन किया गया है, ताकि महिला उद्यमी नए व्यावसायिक अवसरों के बारे में जान सकें और अपने काम करने के तरीकों में सुधार कर सकें। इन एक्सपोजर विजिट्स से महिला उद्यमी नए आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के साथ संबंध बनाने में सफल हुई हैं। थोक व्यापारियों से खरीद फरोख्त करने की उनकी क्षमता में भी वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम के डिजाइन के दौरान ये भी महसूस किया गया कि उद्यमों के व्यापार स्तर को बढ़ाने के लिए सही बही खाता रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सही बही खाता रखने से महिला उद्यमी अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि के बारे में जान पाएंगी। वह यह जान पाएंगी कि किस व्यवसाय को करना उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है और कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो ज्यादा नहीं बिक रहे हैं। वह इस बात का भी आकलन कर पाएंगी कि कहीं वह जरूरत से ज्यादा सामान उधार पर तो नहीं बेच रही हैं। अपने कमाई के उतना जिसे लिया है कमा के तो बेचोच के तो बच्चे इनके दे दी हिसाब सामना करें। अब कमा उमा के जिसे लिए कितना का सौदा बिकल तो के मतलब हिसाब उसाब वाला बच्चे न लिखा। अच्छी तरह से बही खाते रखने का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। अच्छे रिकॉर्ड उपलब्ध रहने पर वित्तीय संस्थान उद्यमियों को बेहतर ऋण प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ग्राम वाणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिला उद्यमियों को अपने मोबाइल फोन पर प्रासंगिक ऑडियो संदेश मिलते हैं। इसके माध्यम से वह अपने अनुभव और परेशानियां भी साझा कर सकती हैं। फिर भी मोबाइल वाणी के खास कार्यक्रम पूछो और जानो में आपका स्वागत है। हेलो जी, मैं शबाना बेगम बोल रही हूँ। रोजगार अच्छा चल रहा है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए सोच रही हूँ कैसे आगे रोजगार को किया जाए, कैसे बढ़े। तो हम चाहेंगे कि आप अपने व्यवसाय का लेखा जोखा रखना चालू करिए, अपने व्यवसाय में विविधीकरण करिए, वैरायटी लाइए, ताकि आपके पास कई तरीके के लोग आ सके। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके महिला उद्यमियों की प्रगति को भी ऑनलाइन ट्रैक किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास साफ झलकता है।
वह उद्यमों का परिचालन करने की अपनी क्षमता के बारे में अधिक आश्वस्त लगती हैं। किसी और के यहाँ से लाते थे तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि उसमें बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्योंकि 3 रुपए पे 4 रुपए पे वो देती थी, हम 3 रुपए पे सिलवाते थे। लोग सिलने के लिए तैयार नहीं थे कि हम सिलेंगे कि नहीं सिलेंगे, हमें क्या बचेगा। लेकिन जब हम गद्दी पकड़ लिए तो वो माल हमें 5 रुपए पे मिलता है, हम 4 रुपए पे सिलवाते हैं। तो लोगों को लगा कि 1 रुपए का मुनाफा हुआ तो उसमें कुछ तो हमारा प्रॉफिट हुआ, कुछ तो बचेगा। अगर हम 10 दुपट्टा सिलें तो 1 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, आपका 10 रुपए बढ़ा तो कुछ तो हमें प्रॉफिट हुआ। कई उद्यमों में बिक्री और लाभ में भी बढ़ोतरी हुई है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त कौशल और आत्मविश्वास महिला उद्यमियों के साथ निरंतर बने रहेंगे और उनके व्यवसाय के संचालन में उनकी हमेशा मदद करेंगे। कोई भी काम अगर आप कर रही हैं तो आपके पास 2 पैसा हाथ में है, किसी के अधीन आप नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कभी मुसीबत हो रहा है तो मुझे इनके पास जाना पड़ रहा है मांगने के लिए मदद कि आप मुझे 10 रुपया दीजिए। इनमें से कई महिलाएं क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाएंगी।